हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। हमने पास्ट परफेक्ट कंप्लीट करे थे, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सबसे पहले इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आता है, लेकिन साथ में जो काम पास्ट में हुआ था, जारी था, उसका समय भी दिया होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो यहाँ पे समय भी है और लास्ट में रहा था, रही थी भी आता है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसकी पहचान लिख लेते हैं वाक्य के अंत में। रहा था, रही थे, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। साथ में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। काम पास्ट में ही होगा, वो भी मतलब पास्ट में ही हो रहा होगा। जैसे कि वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रही थी, तो पास्ट का ही वर्ब है, ठीक है। समय दिया होता है और साथ में रहा था, रही थी, ये पहचान है इसकी, ठीक है। अब मैंने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कराए थे, तब मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया था, ओके। तो आज फिर वही समझते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जब इंग्लिश बनाते हैं इसकी, तो हम निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ठीक है। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे जैसे हो गया, सिंस टाइम दे रखा है, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग etc. इसमें सिंस कोई सन भी आ सकती है, हम बोलते हैं सिंस 2000, सिंस 2015, अगर कोई सन दे रखी, ईयर दे रखा है, तब हम सेंस लगाएंगे, ओके। उसके बाद एक तो होता है निश्चित समय, दूसरा होता है अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर लगाते हैं हम उसके लिए। और लगाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर 2 hours लिखा है कहीं पर, 2 घंटे से, या फॉर 1 month, या फिर फॉर
टू ईयर्स ईटीसी। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। ओके, जो कंटीन्यूअस में लगती है आईएनजी फॉर्म, वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी लगती है आईएनजी फॉर्म वर्ब की। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सॉरी, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर के लिए मैं बता चुकी हूँ कब लगता है सिंस, कब लगता है फॉर, प्लस साथ में टाइम। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं अब हम। एग्जांपल नंबर वन, जैसे कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो हम के लिए वी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, जा रहे थे यानी गोइंग टू स्कूल, और सोमवार से यानी सिंस मंडे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वह 2 घंटे से नहा रहा था। ही हैड बीन बाथिंग, ही हैड बीन बाथिंग। अब यहाँ 2 घंटे से नहा रहा था, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फोर, पीरियड ऑफ टाइम है ना, फोर टू आवर। ओके, फॉर टू आवर्स, ही हैड बीन बाथिंग फॉर टू आवर्स। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, तो आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ओके, और देख लेते हैं हम एग्जांपल। वह लड़की सन 1999 से इस शहर में रह रही थी। तो लिखेंगे दैट गर्ल रह रही थी, तो दैट गर्ल हैड बीन living in this city। अब ये point of time है, in this city since 1999। okay, that girl had been living in this city since 1999। एक example और ले लेते हैं हम। वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर
यू फॉर 2 hours. ओके, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, थैंक यू.